मैं बीटू शर्मा क्लास 11 में हूँ, और जैसे आपको पता है क्लास 11 का पहला चैप्टर है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। तो इसमें दो टॉपिक ऐसे हैं जो मेंस और एडवांस में हमेशा पूछे जाते हैं। पहला टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट और दूसरा टॉपिक है इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट एंड न्यूट्रलाइजेशन एंड रेट ऑफ हाइड्रेशन। तो ये जो मैं करा रहा हूँ अभी सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, इसमें मैं मोल कॉन्सेप्ट का टॉपिक कराऊंगा। और जैसे हमें पता है कि नोट्स हम जो बनाते हैं कोई भी टॉपिक्स का या कोई भी चैप्टर का, वो खो जाता है या तो मिसप्लेस हो जाता है, कुछ समय बाद हमें नहीं मिलता। तो ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इस वीडियो के द्वारा हम कभी भी डिजिटलाइज फॉर्म में ये नोट्स रखेंगे और कभी भी एक्सेस कर पाएंगे हम, और ये कभी गुम भी नहीं होगा, ये हमेशा नेट पे या इंटरनेट पे सेव होगा। तो हम स्टार्ट करते हैं मोल कॉन्सेप्ट। तो ये कुछ लास्ट ईयर्स के क्वेश्चंस हैं जो हम अभी करेंगे, और ये जो बुक है 39 ईयर्स है, और ये सीक्वेंस वाइज है, मतलब कि जो लास्ट है 2070 का क्वेश्चन, उसके बाद 16 का आएगा, फिर 15 का आएगा, डिक्रीज इन ऑर्डर में है। तो हम पहला क्वेश्चन करते हैं 2017 जी मेंस में जो पूछा गया था, टॉपिक है मोल कॉन्सेप्ट। तो पहला क्वेश्चन है द मोस्ट एविडेंट एलिमेंट बाय मास इन द बॉडी ऑफ हेल्दी ह्यूमन एडल्ट आर ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। जो फिर उनकी परसेंटेज क्या है, ऑक्सीजन की परसेंटेज है 61.4%, कार्बन की 22.9%, हाइड्रोजन की 10.0% और नाइट्रोजन की 2.6%। तो हमें फाइंड क्या करना है, द वेट विच 75 kg पर्सन वुड गेन इफ ऑल H प्लस, जो हमारा हमें पता है कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स होते हैं, तीन होते हैं, H प्लस वन होता है, एक होता है टू होता है, और एक थ्री मास वाला होता है। तो हमें बोल रहा है कि जो हमारा हाइड्रोजन है जिसका मास 1 amu है, उसको हम रिप्लेस करते किससे, दूसरे हाइड्रोजन आइसोटॉप से जिसका मास 2 amu है, और हमें बताना है कितना वो गेन करेगा अपने वेट में, ठीक है। तो ऑप्शन से ए, पहला ऑप्शन है 15 kg, दूसरा 37.5 है, तीसरा 7.5 है, चौथा 10 kg है। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं हम। तो हमें सिर्फ हाइड्रोजन का बताना है, और जैसे कि हमें हाइड्रोजन का दिया गया है कितना परसेंटेज हमारे बॉडी में हाइड्रोजन होता है, 10% होता है। तो टोटल वेट ऑफ पर्सन कितना था हमारा, 75 kg था, ठीक है। अब 75 को मैं ऐसे लिखने जाऊँ तो कैसे लिख सकता हूँ मैं, 75/100 लिख सकता हूँ मैं, है ना, अगर नॉर्मल फॉर्म में लिखना चाहूँ तो। और अब हमें बताना है कि जो H प्लस H हाइड्रोजन है हमारा, जिसका मास 1 है, जो पहला आइसोटॉप है हाइड्रोजन का, उससे हमें कितना वेट मिलता है। तो 7.5 kg मिलता है सॉल्व करने से, हम 75/100 करेंगे, उसमें हम 10 मल्टीप्लाई करेंगे, 7.5 kg हमें मिलेगा। तो अब क्वेश्चन के हिसाब से हम क्या करेंगे, जो हमारा हाइड्रोजन है जिसका मास 1 है, उसको हम रिप्लेस कर देंगे दूसरे हाइड्रोजन आइसोटॉप से जिसका मास 2 है, ठीक है। तो जैसे हमें पता है कि अगर मास 1 था तो इसका वेट कितना था, 7.5 kg, और अगर इसका मास 2 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7.5 × 2 हो जाएगा, और ऐसे 3 हो गया। अगर मैंने बोला 3 आइसोटॉप थे ना, 3 आइसोटॉप्स थे हमारे हाइड्रोजन के, पहला था जिसका मास 1 है, 2 है और 3 वाला है, तो हमें 2 तक ही जाना है। तो हमें क्या करेंगे, सिर्फ सिंपल 2 मल्टीप्लाई कर रहे हैं, अगर 3 पूछता तो क्या करें, 7.5 × 3 कर देते हैं। तो जब हमने 2 मल्टीप्लाई किया 7.5 × 2, तो हमें क्या मिला, हमें मिला कि मास कितना गेन किया पर्सन ने, जब उसके बॉडी में से हमने हाइड्रोजन निकाला, जो हाइड्रोजन H1 था उसको निकाल के हमने रिप्लेस कर दिया H2 से, तो उसके बॉडी के मास बढ़ गया, जो कि कितना बढ़ा, 7.5 kg बढ़ गया, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था। तो हमारा ऑप्शन जो है सी, वो सही आंसर, 7.5 kg वो पर्सन क्या करेगा, गेन करेगा वेट, अगर मैं हाइड्रोजन 1 को रिप्लेस करूँगा हाइड्रोजन 2 से, तो ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन हमें ये बोल रहा है कि 1 gram ऑफ कार्बोनेट M2CO3, ये M कोई भी मेटल है, ठीक है, ऑन ट्रीटमेंट विद एक्सेसिव HCl प्रोड्यूस 0.01186 मोल ऑफ CO2। मतलब क्वेश्चन क्या कहता है कि कोई भी कार्बोनेट मेटल, कार्बोनेट जो मैं 1 gram ले रहा हूँ, उसको मैं एक्सेसिव, मतलब कि बहुत ज़्यादा HCl से रिएक्ट कर रहा हूँ, जो मेरे को कितना कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, मेरे को 0.01186 मोल ऑफ CO2 मिलता है। तो मेरे को बस बताना है कि मोलर मास ऑफ M2CO3 कितना होना चाहिए पर ग्राम, ठीक है। तो इसके ऑप्शन भी हमें दिए हैं कि 1186 है,
84.3 है, 118.6 है और 11.86 है। तो हमें बस पता है इसके मोलर मास कितना है। सिंपल मोलर मास फाइंड करना है तो पहले तो हम रिएक्शन लिखेंगे। कोई भी मेटल कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो एक रिएक्ट करता है तो हमें पता है मेटल के ऊपर प्लस आयन होता है और HCl है जिसमें HCl के ऊपर माइनस आयन होता है। तो ये जो मेटल है और Cl है ये एक बॉन्ड बनाएंगे तो MCl बनेगा। और बाकी हमें पता है कोई भी मेटल कार्बोनेट जब HCl या एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो हमें क्या मिलता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है। और जैसे हमें क्वेश्चन में दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड कितने मोल होगा, 0.01186 मोल होगा। ठीक है, तो हमें क्या पता चला, हमें पता चला नंबर ऑफ मोल्स ऑफ M2CO3 रिएक्ट, जितना भी हम रिएक्ट करेंगे जितना भी मोल हम लेंगे M2CO3 का हमें क्या मिलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO3 इवॉल्व। हम जितना इसको बढ़ाएंगे मतलब जो मेटल कार्बोनेट है हमारा उसको हम जैसे इंक्रीज करेंगे तो हमारा जो मोल्स है कार्बन डाइऑक्साइड का वो भी बढ़ेगा, या अगर हम इसको डिक्रीज करेंगे तो इसके मोल्स भी क्या करेंगे, डिक्रीज करेंगे। ठीक है, तो आगे हम देखते हैं। अभी हमें आगे क्या फाइंड करना, मोलर मास फाइंड करना था ना। अब मोलर मास हमें फाइंड करना है तो हमें मोल्स तो पता चल गया कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है, मीन्स हम बोल सकते हैं कि मोलर मास ऑफ M2CO3 है। अब कार्बन डाइऑक्साइड जो जितना कार्बन डाइऑक्साइड का मोलर मास होगा या मोल होगा उतना ही मोल हमारा इधर है। अगर यहाँ पे मैं बोलूँ 1 मोल है तो यहाँ पे भी 1 होगा, यहाँ पे अगर बोलूँ 2 मोल है तो यहाँ पे 2 मोल होगा। ठीक है, तो यहाँ पे अगर 1 मोल था तो 1 होगा। अगर मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ 0.01186 मोल है तो ऑफकोर्स जो M2CO3 है उसका भी मोल कितना होगा, 0.01186 होगा। और हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। हमें कितना हमें दिया गया था कि M2CO3 हम कितना यूज़ कर रहे हैं, 1 ग्राम हम यूज़ कर रहे हैं, तो हमें गिवन मास कितना था, 1 ग्राम। और हमें पता है कि M2CO3 का जो मॉलिक्यूलर मास है वो हमें फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, M2 की साइड ले लेंगे और 1 अपॉन 0.01186 करेंगे, जिसको हम डिवाइड करेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, 84.3 ग्राम पर मोल। तो हमारा मोलर मास हो गया किसका, M2CO3 का। तो हमारा ऑप्शन में दिया है 84.3 जो हमारा है आंसर है। ठीक है, अब थर्ड क्वेश्चन है हमारा, एट अ 300 केल्विन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर एंड 15 ml ऑफ गैस हाइड्रोकार्बन रिक्वायर 375 ml एयर कंटेनिंग 20% ऑफ ऑक्सीजन बाय वॉल्यूम फॉर कंप्लीट कंबशन। ठीक है, मीन्स क्वेश्चन कहना क्या चाहता है, एक्चुअल में क्वेश्चन ये कहना चाहता है कि जब मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन मतलब क्या होता है कि कोई भी हाइड्रोजन और कार्बन बॉन्ड बनाता है, मैं बोलता हूँ उस बॉन्ड को हाइड्रोकार्बन बॉन्ड ले। तो क्या बोला है कि मैं कोई भी हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ, 15 ml ऑफ गैसेस हाइड्रोकार्बन ले रहा हूँ मैं, उसको मैं जब ऑक्सीजन के साथ 20% ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता हूँ मैं, तो मेरे को जो हमारा कॉन्स्टेंट टर्म्स है वो कौन से, केल्विन टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है और एटमोस्फेरिक कॉन्स्टेंट है हमारे यहाँ पे। तो हम आगे देखते हैं, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं। हमें पता है कि हाइड्रोकार्बन का फॉर्म क्या होता है, C2H6 हो या तो C4H8 हो, कुछ भी हो सकता है। सपोज ये हमारा X है, ये हमारा Y है। ठीक है, तो हमें जैसे लिख दिया CX और HY लिख दिया हमने। ठीक है, फिर हमें ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हो तो O2 लिख दिया हमने सिंपल। अभी तुम इसको इसकी वैलेंसी पे ध्यान मत दो, वो बाद में हम सॉल्व करेंगे। तो पहले O2 से रिएक्ट कर रहे हैं, फिर जब कोई भी हाइड्रोकार्बन ऑक्सीजन से रिएक्ट करता है तो हमें पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड पक्का रिलीज करता है ये गैस फॉर्म में, तो कार्बन डाइऑक्साइड हम CO2 लिख दिया और वाटर भी रिलीज करता है। ठीक है, तो अब इसको बैलेंस करते हैं। अब यहाँ पे पता है कि हमें कितने मोल्स है, यहाँ पे कार्बन कितने एटम्स है, एक्स एटम है। तो हम क्या करें, यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई करें, क्योंकि हमें देखा CO2 में ही सिर्फ कार्बन है, H2O में तो कार्बन है नहीं, तो हम यहाँ पे एक्स मल्टीप्लाई कर दिए। फिर हमने देखा कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन वहाँ पे हाइड्रोजन के पास वाई एटम है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे वाई बाई टू कर देंगे। क्यों ऐसा, सपोज यहाँ पे वाई की वैल्यू अगर टू है, वाई की वैल्यू टू है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2/1 हो जाएगा, दैट इज 1। तो अगर 1 आ गया मेरा, तो इधर 1 मोल ऑफ H2O है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन के एटम पहले से H2 है, तो यहाँ पे भी 2 हो गया, यहाँ पे भी 2 हो गया, तो बैलेंस हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, O2 को बैलेंस करेंगे। O2 को बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिंपल X जो हमने यहाँ पे लिया था X प्लस वाई बाई टू कर देंगे। यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करेंगे हम नीचे, क्योंकि यहाँ पे एक ही एटम है, यहाँ पे हमें 2 चाहिए, इसलिए हम इधर मल्टीप्लाई 2 कर देंगे, तो वाई बाई 4 हो जाएगा। जैसे हमें क्वेश्चन में दिया था 375 ml है जो है ना टोटल वॉल्यूम है, जिसमें 20% हमने ऑक्सीजन दिया था, 20% ऑफ 375 कितना होता है, 75 ml होता है।
और अब हमें पता है 75 अगर ml ऑक्सीजन रिक्वायर्ड हो गया, ऑक्सीजन ले लिया, तो बचा कितना एयर, जो भी एयर बचा उसका कितना वॉल्यूम होगा, 300 ml वॉल्यूम होगा। तो टोटल वॉल्यूम हम बोले तो क्या होगा, CO2 प्लस इनर्ट पार्ट ऑफ एयर, मतलब जो एयर बच गया हमारे पास उसका वॉल्यूम प्लस CO2 का वॉल्यूम हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। या तो तुम कर सकते हो ऐसा, टोटल वॉल्यूम है हमारा वो कितना आ गया, 330 है टोटल वॉल्यूम, ठीक है। और CO2 का हमें फाइंड करना है, CO2 का सपोज वो हमारा क्या है, 15x है, प्लस हमें इनर्ट पेयर पार्ट ऑफ एयर ढूंढ लिया कितना, 300 ढूंढ लिया, तो एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें मिल जाएगी कितनी मिल जाएगी, एक्स की वैल्यू यहाँ से हमें 2 मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम देखें तो ये जो एक्स की वैल्यू 2 मिली ना, ये हम क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन है x प्लस वाई बाई 4 इसमें हम पुट कर देंगे सिंपल, तो यहाँ पे पुट करेंगे। और जब हम 75 अपॉन 15 कर रहे हैं, ये हमें इसलिए करें, तो 15 है ना, ये हमें गिवन है कि 15 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन है, इसलिए हम दोनों में 15 डिवाइड करें। अब मैं बुक के हिसाब से बोलूँ ये कैसे सॉल्व हुआ है एक्चुअल में, तो जो x होगा हमारा, x है वो हमारा 30 जो है हमारा 30 ml, वो हमने फाइंड किया 30 ml क्या, CO2 है हमारा, तो CO2 हमारा 30 ml था, इसलिए हम 30 डिवाइडेड 15 जब करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 2 मिलता है। अब जब 2 की वैल्यू हम इसमें ये जो इक्वेशन है बैलेंस है O2 का बैलेंस मोल से उसमें पुट करेंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी, तो जब उसको हम इक्वेट करेंगे तो 75 ml को जब हम 15 से डिवाइड करेंगे और जो x की वैल्यू हमें पुट कर देंगे तो y की वैल्यू हमें मिलेगी कुछ 12 मिलेगी। तो y और x हमें मिल गया, तो हमें जो x और y यहाँ पे लिखा था cx और hy वहाँ पे पुट कर देंगे तो वहाँ पे C2H12 मिल जाएगा, ठीक है। अब फोर्थ क्वेश्चन है हमारा, द मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ अ कमर्शियल रेजिन यूज फॉर एक्सचेंज इन आयन इन वाटर सॉफ्टिंग Ac8H7SO3Na, जिसकी मोलिकुलर वेट कितनी दी है, 206 दी है हमें। तो हमें बताना है कि कितना Ca मतलब कैल्शियम 2 प्लस आयन रिलीज होगा उस रेजाइन से, मतलब जो हमें कंपाउंड दिया उसमें से Ca प्लस कितना रिलीज होगा, बस हमें ये बताना है। तो हमें पता है कि जो मोलिकुलर वेट हमें दिया गया है वो कितना दिया, 206 दिया है, ठीक है। तो वी हैव टू फाइंड, हमें क्या फाइंड करना है, मोलिकुलर पर मोल पर ग्राम ऑफ रेजिन हमें फाइंड करना है। तो हमें पता है कि 1 ग्राम ऑफ जब जो भी कंपाउंड दिया हमें C8H7SO3Na हैज अ मोल, कुछ तो मोल होगा, हैज अ नंबर ऑफ मोल कितना होगा, वेट, हम नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कैसे करते थे, हम गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास है ना, स्मॉल एम अपॉन कैपिटल एम, तो गिवन मास हमें कितना था, 1 दिया था हमें, 1 ग्राम दिया था, और मोलिकुलर मास हमें पता है कितना दिया था, 206 दिया था। तो हम जब 1 अपॉन 206 करेंगे तो हमें नंबर ऑफ मोल मिल जाएंगे, जो कि हमने अभी डिवाइड किया, अब इसको फ्रैक्शन में रख रहे हैं, 1 अपॉन 206 मोल रख रहे हैं। अब एक रिएक्शन फॉर्म करते हैं, हमें बोला था Ca+2 आयन कितना फॉर्म होगा ना, तो हम क्या करेंगे, रिएक्शन हम जब देखेंगे तो हमें कुछ ऐसा रिएक्शन मिलेगा, 2C8H7SO3Na प्लस C8H7SO3 ट्वाइस Ca+2Na मिलेगा हमें। तो हमें इस इक्वेशन से या रिएक्शन से हमें ये पता चलता है, जब मैं 2 मोल लेता हूँ, 2 मोल ऑफ C8H7SO3Na से लेता हूँ मैं, तो मेरे को 1 मोल ऑफ Ca रिलीज होता है, Ca+ रिलीज होता है ना, यहाँ पे जब 2 होता तो यहाँ पे 1 है, यहाँ पे अगर 3 रखता तो यहाँ पे 2 होता, ठीक है ऐसा। तो अगर मैं 1 मोल ले रहा हूँ, अगर यहाँ पे 1 होगा तो यहाँ पे 0.5 होगा, इन शॉर्ट मैं बोलता तो 1/2 मोल रिलीज करेगा वो, है ना, समझ आ रहा है ना। अगर मैं यहाँ पे हम जब केमिकल रिएक्शन लिखे तो हमें पता चला कि जब मैं 2 मोल ले रहा हूँ C8H7SO3Na का, तो मेरे को 1 मोल ऑफ Ca+ मिल रहा है, +2 है, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे 1 ले लूँ, मैं 1 मोल ऑफ C8H7SO3Na, तो मेरे को कितना मिलेगा, 1/2 मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता चला कि 1/2206 मोल्स ऑफ C8H7SO3Na विल कंबाइंड विद, कितने से होगा वो कंबाइंड, 1/2 × 1/2 हमने इसलिए मल्टीप्लाई किया क्योंकि हमें 1 मोल चाहिए था ना, हमने क्वेश्चन में क्या पढ़ा था कि हमें 1 मोल का फाइंड करना है, व्हाट इज द मैक्सिमम अपटेक ऑफ Ca+2 आयंस बाय रेजिन विल एक्सप्रेस इन द मोल पर मोल लिखा है, मोल पर ग्राम लिखा है, इसलिए हम 1 ग्राम ले रहे हैं, पर ग्राम है,
इसलिए 1 ग्राम में कितना हो रहा है, तो 1 मोल हम ले रहे हैं, तो 1/2 मोल हम फॉर्म करेंगे। तो हमें पता चला कि 2 मोल में अगर 1/6, अगर 2 मोल में 1/2 हो रहा है तो 1 मोल में कितना होगा, देखिए नहीं माफ करना, ये अगर 1 मोल हम Ca+2 ले रहे हैं तो हमें पता चला कि 1/2 हमें फॉर्म मिल रहा है, किसका, जो हमें कंपाउंड दिया ये कंपाउंड हमें मिल रहा है। अगर मैं इसको 1/2 कर दूँ तो कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा कुछ 1/4 Ca+ रिलीज हो रहा है, ठीक है। तो हमें पता चल गया आंसर क्या है, 1/4 रिलीज हो रहा है Ca+2 आयन, जब मैं जो हमारा C8H7SO3Na जो रेजाइन है हमारा उसको मैं कितना 1 मोल लेता हूँ तब, ठीक है। तो हमारा आंसर डी। तो फिफ्थ क्वेश्चन करते हैं, अब बोला फिफ्थ क्वेश्चन क्या बोला, 3 ग्राम ऑफ एक्टिव चारकोल, चारकोल पता है कि डस्ट को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। चारकोल वॉज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला होता है CH3COOH फॉर्म, ठीक है, ये फॉर्मूला होता है, केमिकल फॉर्मूला ऑफ एसिटिक एसिड होता है, ठीक है। 3 ग्राम ऑफ एक्टिव चारकोल वॉज एडेड टू 50 ml ऑफ एसिटिक एसिड सोल्यूशन 0.06 N इन अ फ्लास्क, ये न्यूटन जो है फोर्स है, मतलब कितने ये एब्जॉर्ब कर रहा है, चारकोल है ना एसिडिक एसिड में जाने के बाद, उसको एसिडिक एसिड का पहला स्ट्रेंथ कितना था, स्ट्रेंथ बता रहा है ये कि 0.06 N था, लेकिन जब मैंने कुछ आवर्स के बाद देखा, मतलब कि आफ्टर एन आवर इट इज़ अ फिल्टर्ड एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फिल्टर वॉज फाउंडेड टू बी 0.04 N, मतलब क्वेश्चन कहना चाहता है जब मैं 50 ml ऑफ एसिडिक एसिड लिया था तो उसकी स्ट्रेंथ कुछ से 0.06 N थी, लेकिन जब मैंने उसमें 3 ग्राम ऑफ चारकोल डाला एक्टिव चारकोल तो कुछ समय के बाद मैं क्या मिला कि 0.042 N उसका स्ट्रेंथ हो गया, मैं तो उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी घट गई। तो मैं बताना है बस कितना एसिडिक एसिड है ना चारकोल ने एब्जॉर्ब किया है, तो हमें पता है इनिशियल स्ट्रेंथ है एसिडिक एसिड का कितना था 0.6 N था, और फाइनल स्ट्रेंथ हमें 0.04 N मिला, और वॉल्यूम कितना था 50 ml, सब गिवन डेटा था। अब हम कहेंगे इनिशियल मिलीमोल ले रहे हैं किसका, एसिडिक एसिड का, एसिडिक एसिड का इनिशियल मिलीमोल ले रहे हैं, क्योंकि पता है कि जो मोल से जो रिएक्शन बनाएंगे हम, ये जो क्वेश्चन होता है चारकोल वाला, इसमें मिलीमोल्स हम इसलिए लेते हैं कि बहुत इसका इसके जो मोल्स होते हैं बहुत छोटे होते हैं, इसलिए हम मिली यूज़ करते हैं वर्ड यहाँ पे, ठीक है। तो हमें जैसे दिया था जब स्ट्रेंथ इनटू वॉल्यूम करते हैं ना तो हमें मिलीमोल मिलता है, मतलब जब मेरे को जो स्ट्रेंथ दिया था इनिशियल फेज पे जो स्ट्रेंथ दिया था एसिडिक एसिड का 0.06 था और वॉल्यूम कितना था 50 ml था, मैं जब इसको प्रोडक्ट करता हूँ तो 3 mmol मिलता है, और फाइनल मिलीमोल क्या होगा मेरा, फाइनल में जो स्ट्रेंथ दिया था हमें 0.042 N, उसको मैं जब जो वॉल्यूम है उसका उससे मल्टीप्लाई करता हूँ 2.1 हमें स्ट्रेंथ मिलीमोल मिलता है। एक्चुअल मिलीमोल हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मोल्स भी हम बोल सकते हैं, लेकिन मोल्स हम जब बोलेंगे ना तो बहुत छोटी वैल्यू आएगी उसकी, इसलिए हम मिलीमोल बोलते हैं, और मिली का 10^-3 वैल्यू होती है, ठीक है। अब मिलीमोल ऑफ CH3COOH एब्जॉर्ब कितना होगा, हम जो इनिशियल फेस था हम फाइनल फेस को माइनस कर देंगे जब हमें पता चलेगा कितना वो एब्जॉर्ब कर लिया है, चारकोल ने एसिडिक एसिड को एब्जॉर्ब कर लिया हमें पता चल जाएगा। तो इनिशियली 3 था, फाइनल कितना 2.1 था, तो कितना एब्जॉर्ब कर लिया 3 - 2.1 दैट इज 0.9 mmol। अब यहाँ पे 60 mg है, एक्चुअली हमें दिया था 6 ग्राम दिया था ना, हमें पता है कि 10 mg इज इक्वल्स टू 1 ग्राम होता है, ठीक है। तो 6 ग्राम कितना होगा 60 mg होगा ऑफकोर्स। तो मैं जब जो मेरा एब्जॉर्ब हुआ जितने मोल मिलीमोल एब्जॉर्ब हुआ एसिडिक एसिड उसको मैं जब 60 mg से प्रोडक्ट करता हूँ तो 54 mg क्या मेरे को मिलता है आंसर। तो 54 mg क्या हो गया था, एब्जॉर्ब हो गया था, किसने एब्जॉर्ब किया, चारकोल ने एब्जॉर्ब किया था एसिडिक एसिड सोल्यूशन में, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है 54 mg है। अब जो ये क्वेश्चन जो था 15 पूछा था, और इसके बाद जो क्वेश्चन है 6th क्वेश्चन जो 2014 में पूछा गया था जीमेंस में, उस क्वेश्चन में क्या है, द रेशियो मास ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन ऑफ अ पर्टिकुलर गैस मिक्सचर इज 1:4, ठीक है। मतलब मैं क्या बोल रहे हैं, रेशियो मास, मास जो ऑक्सीजन का मास है और नाइट्रोजन का जो मास है उसका जो रेशियो कितना है 1:4 है। अब
दूसरा हमें बोला है फाइंड करने को रेशो ऑफ नंबर ऑफ देयर मोल्स, है ना, हमें फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स रेशो फाइंड करना है, हमें मास का रेशो दे दिया है और बोला है कि नंबर ऑफ मोल्स का रेशो तुम क्या करो फाइंड करो। तो हमें तो एक फॉर्मूला पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स हम फाइंड करते हैं गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, ठीक है। हमें फाइंड क्या करना था, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना है ना हमें, तो हम क्या करेंगे ये फॉर्मूला यूज करेंगे। इसमें पता है कि जो ऑक्सीजन का क्या होगा, ऑक्सीजन का जब हम लिखने जाएंगे NO2 का तो हमें पता चलेगा जो मॉलिकुलर मास है ऑक्सीजन का और जो गिवन मास है हमें पता ही है, मॉलिकुलर मास हमें नहीं दिया है और हमें जो मॉलिकुलर मास है हम फाइंड कर लेंगे, O2 का कितना मॉलिकुलर मास होता है 16 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है और O2 के लिए हम क्या करेंगे इंटू 2 करेंगे दैट इज 32 हो जाएगा, ठीक है। अब जब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 हम फाइंड करना चाहते हैं तो गिवन मास हमें दिया ही नहीं है लेकिन मॉलिकुलर मास हमें पता है कितना होता है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन का सिंपल एक नाइट्रोजन एटम का मास होता है 14 लेकिन इधर दो एटम है इसके लिए हम 2 मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 28, ठीक है। तो हम क्या करेंगे सिंपल ये दो इक्वेशन से हम दोनों इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे, हम डिवाइड करेंगे जब हम तो हमको कुछ ऐसा मिलेगा, ठीक है। तो हमें पता है कि MO2 gives is equal to MO2 है क्या स्मॉल m ये वाला है क्या गिवन मास ऑफ O2 है और MN2 गिवन मास ऑफ N2 है और जो नीचे वाला कैपिटल M वाला है वो क्या है मॉलिकुलर मास ऑफ O2 और मॉलिकुलर मास ऑफ N2 है और ये जो N है आगे के ये नंबर ऑफ मोल्स बताते हैं ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के, ठीक है। तो हम सिंपल जब इसको डिवाइड करेंगे हम तो हमें क्या मिलेगा NO2 अपॉन NO2 फिर इसको सिंपल हम रेसिप्रोकल कर देंगे कि हम पहले डिवाइड जब करते हैं फ्रैक्शन को रेसिप्रोकल करते हैं हम MO2 अपॉन MO2 इंटू MN2 अपॉन मॉलिकुलर मास ऑफ नाइट्रोजन, ठीक है। तो हमें एक चीज़ का रेशो दिया था, क्या दिया था हमें, हमें रेशो दिया था मोलर मास का रेशो दिया था ना क्वेश्चन में, हमें गिवन था कि जो मोलर मास है जो मास है हमारा जो गिवन मास था ऑक्सीजन उसका रेशो कितना था 1:4 था, ठीक है। तो ये जो MO2 और MN2 है इसके मास को हम क्या करेंगे सिंपल 1/4 लिख देंगे और हमें पता है मॉलिकुलर मास ऑक्सीजन और नाइट्रोजन का तो हमें पता ही है तो कितना है 28 है ऑक्सीजन का नहीं 28 है नाइट्रोजन का है और 32 किसका है डाई ऑक्सीजन का है। तो हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो 7/32 रेशो मिलेगा, क्या मिलेगा उसके मोल्स नंबर ऑफ मोल्स का हमें रेशो मिलेगा जो क्वेश्चन पूछा ही था हमें रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स इज 7:32, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था 2014 में पूछा था और ये सिंपल हमने इसमें फॉर्मूला यूज किया नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मोलर मास, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला इसलिए यूज किया क्योंकि हमें जो डेटा दिया था उस हिसाब से हमने ये फाइंड किया है। अब जो सातवां क्वेश्चन है द मोलरिटी ऑफ अ सोल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सर 750 ml ऑफ 0.5 m of HCl with the 250 ml of 2 m HCl will be, मतलब क्वेश्चन क्या कहना चाहता है जब मैं 750 ml लेता हूँ मिलीलीटर ऑफ 750 कोई भी एक सॉल्यूशन है मेरे को नहीं पता कौन सा सॉल्यूशन है कोई भी एक सॉल्यूशन है जिसकी वॉल्यूम क्या है 750 ml है तो उसका जो मोलरिटी है ना मोलरिटी कितना है 0.5 है HCl का लेकिन जब मैं 250 ml के साथ देता हूँ तो 2 मोलरिटी ऑफ HCl कितना होगा मतलब क्या बोलते हैं मोलरिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ 0.5 मोलरिटी HCl विद 250 m ऑफ 2 मोल्स मोलरिटी ऑफ HCl विल बी कितना होगा। तो एक फॉर्मूला है हमें पता है ये जो फॉर्मूला है इधर दिया है हमें समरी में कि जब मिक्सिंग ऑफ टू और मोर सॉल्यूशन ऑफ अ डिफरेंट मोलरिटी जब दो व तीन सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं जिसकी मॉलरिटी सबकी डिफरेंस होती है तो एक फॉर्मूला है जो हमारा जो रिजल्टेंट मॉलरिटी मिलता है वो कितना होता है कोई कितने भी मोल्स है इन्फिनिटी हो M1V1 प्लस M2V2 प्लस M3V3 अपन V1 प्लस V2 और V3 होता है। तो बस यही फॉर्मूला हम क्या करेंगे यहाँ पे यूज़ करेंगे हम, ठीक है। जैसे हम देख रहे हो कि ये जो फॉर्मूला है तो सिंपल सेम वैसा फॉर्मूला है हमने टू तक लिया क्योंकि हमें सिर्फ दो ही दिया था हमें दो सॉल्यूशन दिए थे ना हमें दो बार हमने ऐड किया था पहला तो हमें V1 750 दिया था M1 0.5 मोलरिटी दिया था जो दूसरा सॉल्यूशन था उसका जो वॉल्यूम था 250 ml था और उसकी मोलरिटी कितनी थी
टू एम थी, तो हमें बताना है बस जो रिजल्टेंट एम है वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, दो दो वैल्यू दिए सीधे इसमें सब्सटीट्यूट कर देंगे और हमें जो आंसर मिलेगा 0.875 मोलरिटी, जो रिजल्टेंट मोलरिटी होगा सॉल्यूशन का। मतलब हमें दो सॉल्यूशन दिया था, एक सॉल्यूशन था जिसकी वॉल्यूम थी 750 ml थी और उसकी जो मोलरिटी थी वो कितनी थी 0.5 थी, ठीक है। और दूसरी सॉल्यूशन थी जो जिसकी वॉल्यूम 250 ml थी और उसका मोलरिटी कितना था 2 था, ठीक है। तो हमें दोनों सॉल्यूशन को हमने क्या मिक्स किया। अब फोन हमें बताना है कि जो रिजल्टेंट मोलरिटी है कितना होगा। तो हमें जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन के ऊपर एक हमें एक फॉर्मूला पता है, उस फॉर्मूला को बस हम अप्लाई करेंगे और जो जो डेटा दिए हैं उस सब्स्टिट्यूट करके हमें जो रिजल्टेंट मोलरिटी हम फाइंड करेंगे। तो ये जो क्वेश्चन था 2013 में पूछा गया था ये, ठीक है। जो आठवां क्वेश्चन है अब आठवां क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, डिजोल्विंग ऑफ 120 ग्राम ऑफ यूरिया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, 120 ग्राम ऑफ यूरिया ले रहा हूँ जिसका मॉलिकुलर वेट हमें दिया गया 60, किस में डिजोल्व कर रहा हूँ, मैं वाटर में डिजोल्व कर रहा हूँ जिसकी वॉल्यूम या बोल सकता हूँ मास कितना है 100 ग्राम में मास दिया है वाटर का, जिसमें मैं क्या कर रहा हूँ 120 ग्राम ऑफ यूरिया में क्या कर रहा हूँ डिजोल्व कर रहा हूँ। गिव अ सॉल्यूशन ऑफ डेंसिटी 1.15 ग्राम पर वॉल्यूम, है ना। मतलब डेंसिटी पता है क्या होता है, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपन वॉल्यूम, हमें मास ग्राम के फॉर्म में दिया है और वॉल्यूम मिलीलीटर के फॉर्म में दिया है, इसलिए हम जी अपन ml लिखे है, जिसकी डेंसिटी क्या है 1.15 है। तो हमें बताना है कि मोलरिटी कितना होगा, m कितना होगा कैपिटल m, ठीक है, सॉल्यूशन का। तो हमें डेटा जो दिया पहले तो हम लिख लेंगे क्या क्या डेटा दिया है हमें। तो पहले तो तुम हाँ, जैसे हमें पता है कि मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, जो सॉल्यूट पता है जो हम एक्सटर्नल यूज़ करते हैं, जैसे एक वाटर है जिसमें मैं शुगर ऐड कर रहा हूँ, सपोज एक लीटर पानी मेरे पास और इसमें मैं 100 ग्राम शुगर ऐड कर रहा हूँ, जो 100 ग्राम शुगर है वो मेरा क्या सॉल्यूट है, ठीक है। और सॉल्वेंट क्या है, मेरा वाटर है। तो मोलरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन होता है। तो हमें जो डेटा दिया है, मोलर वेट हमें दिया था 120 दिया था, है ना। क्वेश्चन के हिसाब से हम जब देखेंगे हम, तो हमें क्वेश्चन के हिसाब से क्या दिया था, हमें बोला था कि 120 ग्राम हमने लिया है क्या यूरिया लिया है जो गिवन मास है, और लेकिन एक्चुअली उसका मोलर मास कितना होता है, जो मोलर वेट होता है यूरिया कितना होता है 60 होता है। तो हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का वे पता ही है, गिवन मास अपॉन मोलिकुलर मास। तो मोलिकुलर मास 60 था, गिवन मास कितना था 120 था, जब मैं इसको डिवाइड किया 2 आया मेरे आंसर। अब ये जो 2 है ये एक्चुअल में क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ यूरिया इन द सॉल्यूशन, जो हमारा नया सॉल्यूशन बना था उसमें नंबर ऑफ मोल्स कितना है यूरिया का 2। अब टोटल वेट कितना हो जाएगा, है ना, सॉल्यूशन का वेट क्या होगा, सॉल्यूशन में क्या क्या है, सॉल्वेंट भी है, सॉल्यूशन भी है, सॉल्यूट भी है और सॉल्वेंट भी है, दोनों है। तो हम दोनों को जब ऐड करेंगे, दोनों का वेट ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, रिजल्टेंट या टोटल वेट ऑफ सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो जो हमें वेट दिया था सॉल्वेंट का, हमें पता है पानी का वेट कितना दिया था 1000 ग्राम दिया था, और सॉल्वेंट का सॉल्यूट का वेट कितना दिया था, मतलब कि यूरिया का 120 दिया था, ठीक है, 120 हमें दिया था। तो उनको ऐड करेंगे तो 1120 ग्राम हमें सॉल्यूशन का वेट मिलेगा, ठीक। अब हमें एक इक्वेशन पता है बहुत अच्छा, मीन्स ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, जैसे कि हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है फॉर बॉड ऑल्सो मेंस ऑल्सो, ठीक है। तो हमें वॉल्यूम फाइंड करना है, तो वॉल्यूम इधर ले लूँगा मैं, मास अपॉन डेंसिटी हो जाएगा। मास हमें टोटल मास हमने फाइंड कर लिया कितना है 1120 ग्राम है, और हमें डेंसिटी दिया था 1.15 ग्राम पर मिलीलीटर है, लेकिन हम इसके एसटीपी स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर या बोल सकते इसके एक स्टैंडर्ड यूनिट में लिखे जब मैं डेंसिटी को, तो उसका स्टैंडर्ड यूनिट जो होता है डेंसिटी का वो होता है हमारा कुछ, डेंसिटी इज इक्वल टू मास जो होता है केजी में होता है, पर वॉल्यूम क्या होता है मीटर क्यूब में होता है, ठीक है। इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे 1000 ml में 1000 मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं नीचे इसको स्टैंडर्ड यूनिट में लाने के लिए। जैसे सॉल्व करूँगा मेरे को पता चलेगा कितना वॉल्यूम है सॉल्यूशन का 0.973 लीटर, ये हमारा क्या है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जब मैंने यूरिया और वाटर को मिक्स कर चुका हूँ उसके बाद का वॉल्यूम कितना है 0.973 लीटर है। तो मोलरिटी हमें फाइंड क्या करना था, मोलरिटी उसका फॉर्मूला क्या होता है,
मोल्स ऑफ सॉल्यूट, तो हमें मोल्स ऑफ सॉल्यूट तो पहले ही दे दिया था, कितना था पहले दिया ना, हमें फाइंड कर लिया कितना, 2 फाइंड कर लिया था, लेकिन हमें वॉल्यूम सॉल्यूशन का नहीं पता था। वॉल्यूम हमने क्या किया, डेंसिटी के फॉर्मूले से हमने फाइंड किया वॉल्यूम उसका, जो कि कितना मिला हमें 0.973। जब इसको मैं सब्सिट्यूट करूँगा इस मोलरिटी के फॉर्मूले में तो मेरे को मोलरिटी कितना मिलेगा, 0.2.05 m मिलेगा। ये मिल गया मोलरिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन, जो मैंने नया सॉल्यूशन बना जब मैंने वाटर और यूरिया को मिक्स करा उसके बाद। तो ये जो क्वेश्चन है ये भी पूछा था 2011 में पूछा गया था, काफ़ी ईजी था क्वेश्चन ये। अब इसके बाद हमें 9th क्वेश्चन है 2009 में पूछा गया था AIEEE में, इसमें क्या बोल रहा है कि गिवन द एविडेंस ऑफ आइसोटॉप्स ऑफ Fe पता क्या होता है, आयरन है ना, इसके कुछ आइसोटॉप्स हैं 54 है, 56 है और 57 आइसोटॉप्स हैं। ये जो है नीचे ये एटॉमिक मासेस है ये सब, ठीक है। अब लेकिन ये बोला कि कितने इसका जो परसेंटेज है वो कितना परसेंटेज है तीनों आइसोटॉप का, कितने परसेंटेज है, 5% है, 90% है और 5% वापस है, ठीक है। और तो हमें पता है ना एटॉमिक मास ऑफ Fe क्या होगा, अब तीनों आइसोटॉप से तीनों का एवरेज निकालना पड़ेगा तभी हम बोलेंगे कि एवरेज एटॉमिक मास तीनों का क्या है ना। अब मैं बोलूँ 2, 3 और 4 है, इसका एवरेज क्या होगा, तो हम क्या करते हैं 2 + 3 + 4 डिवाइड बाई 3 कर देंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एवरेज निकलता था, है ना। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, तीनों का मास हम फाइंड करेंगे और उसका एवरेज कर देंगे, ठीक है। तो हमें 5% दिया था है ना, क्वेश्चन के साथ हम देखे जाओ, क्वेश्चन के साथ देखें हम तो 5% दिया था, 90% और 5% दिया था वापस से आयरन के तीनों के आइसोटॉप्स के रेशोस दिए थे हमें कुछ, ठीक है। तो हमें एवरेज एटॉमिक मास हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जो गिवन डेटा हमारे पास फ्रॉम द गिवन रिलेटिव एविडेंस द एवरेज वेट ऑफ Fe कैन बी कैलकुलेटेड एज, अब एवरेज हम निकालेंगे ऑफकोर्स क्योंकि तीन है हमारे पास, अब तीन है तो एवरेज निकालना पड़ेगा, हर एक का हम अलग निकाल नहीं सकते, अलग निकाल भी दें तो हम इसमें तीन ऑप्शन तो हो नहीं सकते, एक ही ऑप्शन है, इसलिए हम एवरेज निकालते हैं। एवरेज हम एटॉमिक मास ही दे दिया है, फिर तुम्हें बोला ही नहीं है कि एवरेज निकालो, लेकिन तुम्हें पता होना चाहिए एवरेज निकालना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर हमको पता है 5% है, इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ, मैं 5/100 लिख सकता हूँ मैं, सही है ना। अगर फिर मेरे को 90 दिया तो 90 को कैसे लिखता हूँ मैं, 90/100 लिख सकता हूँ मैं, ठीक है। और वापस 5 तो 5/100 लिख सकता हूँ मैं, तो ये तो लिख ही सकता हूँ मैं, लेकिन ये 54 ये सब है क्या, है ना, एक्चुअल में ये है क्या, ये जो है 54, 56 और 57 ये मासिस है। मैं क्या, हमें क्वेश्चन में दिया था 54 मास, 56 और 57 दिया था, हम सिंपली क्या करेंगे 54, 56 और 57 को है ना ये परसेंटेज से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें एटॉमिक मास मिलेगा, ठीक है। हम मल्टीप्लाई जब करेंगे, अब जैसे कि हम 54 × 5/100 करेंगे प्लस 56 × 90/100 करेंगे प्लस 57 × 5/100 करेंगे, अब रेशो क्या होगा, मीन्स अब एलसीएम लेंगे हम सेम, एलसीएम सबका क्या है 100 ही है, तो 100 एलसीएम और सिंपल से सॉल्व करेंगे 55.95 हमें क्या मिलेगा, एवरेज मास मिलेगा ये तीनों आइसोटॉप्स का, ठीक है। तो ये तो क्वेश्चन काफ़ी ईजी था जो 2009 में पूछा गया था, बस हमें एवरेज एटॉमिक मास निकालना था, बस क्वेश्चन में ट्रिक क्या था, ट्रिक ये था कि इधर हमें एवरेज दिया ही नहीं था। अब कुछ सोचेंगे कि इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, इसका अलग निकाले, फिर तुम कर कन्फ्यूज हो जाएगी, इसके भी सारे आंसर तुम्हें दिए होंगे और तुम कोई टिक कर दोगे, तो लेकिन हमें एवरेज निकालना था इसमें बस। अब जो हमारा अगला क्वेश्चन है 10th वाला, इसमें हमें बोला गया है द मिक्सर ऑफ, एक मिक्सर है मतलब कि दो हमारे पास कोई भी दो कंपाउंड दे दिए, CONH3 5 टाइम्स SO4Br, ठीक है, और दूसरा CONH3 5 SO4 दे दिया, मीन्स ये दो कंपाउंड हमें दे दिए। अब इन लोगों में मिक्स कर रहा हूँ और प्रिपेयर कर रहा हूँ कितना 2 ml ऑफ सॉल्यूशन, मतलब कि जो हमारा X है कोई भी X है जिसका इस ये कंपाउंड का मोल कितना है 0.02 mol है और इस वाले कंपाउंड का मोल कितना है 0.02 mol है। जब मैं दोनों को मिक्स करता हूँ तो मेरे को रिजल्टेंट सॉल्यूशन के वॉल्यूम कितना मिलता है 2 liter मिलता है, ठीक है। और हमें नीचे बोला है कि जब मैं 1 liter ऑफ X लेता हूँ, कि X एक्चुअल में था क्या, X था ये दोनों का मिक्सर था जो कि 2 liter था, ठीक है। अब मैं 2 liter था, अब मैं इसको 1 liter में इसका लेता हूँ मैं ये सॉल्यूशन का, और उसको मैं रिएक्ट करता हूँ AgNO3 के साथ, एक्सेसिव AgNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वाई कंपाउंड मिलता है एक, ठीक है। और
वापस वो सेम मिक्सर में लेता हूँ 1 लीटर, एक्स जो मिक्सर है मेरे पास उसको मैं लेता हूँ 1 लीटर, और उसको वापस मैं BaCl2 के साथ एक्सेसिव BaCl2 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो वो जेड कंपाउंड मिलते हैं। बस हमें बताना है कि नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं वाई और जेड, ये जो कंपाउंड हमें फॉर्म करेंगे इसके मोल्स कितने हैं। तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बस तुम्हें थोड़ा सा लॉजिक लगाना है कि अगर इधर ही बता देता हूँ मैं, अगर तुम देखोगे यहाँ पे 2 लीटर था तो हम 0.02 मोल लेते थे दोनों को, है ना। सपोज यहाँ पे 3 हो गया तो क्या करोगे, 3 हो जाएगा तो तुम 0.03 हो जाएगा ये, ठीक है। अगर यहाँ पे सपोज 4 हो गया तो क्या हो जाएगा, 0.04 हो जाएगा, 0.04 दोनों हो जाएगा। तो हमें बोला है 1 लीटर है तो कितना होगा, तो यहाँ पे 1 लीटर होगा तो ऑफकोर्स ये बात है कि इसका जो मोल होगा और इसका मोल होगा 0.01 हो जाएगा और इसका भी 0.01 हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ये जितना मोल इसका होगा उतना ही मोल इसका भी होगा, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा है कि काफ़ी ऑप्शन में 0.01 है, लेकिन हमें बस पता ना वाई और जेड का कितना होगा, बस हमें ये रिएक्शन पता करना है, ये रिएक्शन होता कैसे है, ठीक है। तो हम जब रिएक्शन देखेंगे, हम पहला रिएक्शन देखेंगे उसमें पता चलता है जब मैं 1 मोल ऑफ ये जो कंपाउंड बी एस सी ओ एन एस 3 5 SO4 Br जब मैं उसको AgNO3 के साथ रिएक्ट करता हूँ तो मेरे को कितना जो वाई कंपाउंड मिल रहा है AgBr वो कितना 1 मोल ही मिल रहा है, 1 मोल बैलेंस करने के बाद मेरे को 1 मोल ही मिल रहा है। तो 1 मोल मिल रहा है तो इसका जितना मोल होगा उसका ही इतना है, मीन्स AgBr का उतना ही मोल होगा। तो ऑफकोर्स ये बात है, अगर यहाँ पे मैं इसको मैंने जैसे पीछे बताया कि मैं जब 2 लीटर लेता था 0.02 हो जाता था, जब मैं 1 लीटर लेता था 0.01 हो जाता था। तो यहाँ पे अगर मैं 1 लीटर की बात कर रहे हो तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे 0.01 हो जाएगा इसका भी, ठीक है। दूसरा भी रिएक्शन जब देखेंगे हम जो SO4 वाला रिएक्शन उसको भी देखेंगे, उसमें भी 1 मोल दोनों का इक्वल है, मतलब जब मैं CONH3 5 BrSO4 को लेता हूँ 1 मोल, उसका 1 मोल लेता हूँ तो उनको जो रिजल्ट मिलता है जो कि जेड कंपाउंड था वो कितना 1 मोल ही मिलता रहा। तो दोनों को मैं देखूँ जब क्वेश्चन के साथ देखूँ मैं और रिएक्शन के साथ देखूँ, तो ये जब मैं 2 लीटर लेता था जब मैं 2 लीटर लेता था तो मेरे को 0.02 मोल्स मिलते थे, जब मैं 1 लीटर लूँगा तो 0.01 मिलेंगे, 1 मोल मिलेगा। तो दोनों में वैसा ही है, दोनों रिएक्शन में वैसा ही हो रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा Y और Z जो कंपाउंड फॉर्म हुआ उसके कितने नंबर ऑफ मोल्स है तो हम बता सकते हैं दोनों के मोल्स कितने होंगे, 0.01 0.01, ठीक है। बस ये तुम्हें रिएक्शन पता होना चाहिए, ये रिएक्शन कैसे हम सॉल्व करते हैं, बस काफ़ी इजी क्वेश्चन था। उसके बाद और इजी क्वेश्चन आ गया, 2003 में पूछा था, 1 मार्क्स का क्वेश्चन है ना, व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम, मतलब 4 ऑप्शन दे दिया हमें, अब पूछा कि 4 एटम में सबसे ज़्यादा एटम किसके पास है, ठीक है। 4 ऑप्शन में हमें कार्बन दिया है, एल्यूमिनियम दिया है, आयरन दिया है और Ag मतलब सिल्वर दिया है। जैसा सॉल्यूशन जब हम देखेंगे तो कुछ समय ऐसा देखा, तो नंबर ऑफ जो एटम होगा वो किसके इक्वल होगा, मोल्स इंटू एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर पता है ना क्या होता है, 6.023 × 10^23 है, ठीक है। ये एवोगैड्रो नंबर है, मतलब कि मोल होता क्या है, एक मोल अमाउंट है, बस उस 1 मोल में इतने अमाउंट हो सकते हैं। मतलब मैं बोलूँ कि 1 मोल ऑफ में कुछ भी लेता हूँ, चावल लेता हूँ, तो उसमें कितने दाम में होंगे, 6.023 × 10^23 मोल्स होंगे, ठीक है, इतना अमाउंट ऑफ क्वांटिटी होगा, ठीक है। ये बस एक नंबर है, तो हमें नंबर ऑफ एटम ढूंढना है। तो हमें एक और फॉर्मूला पता है, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने का फॉर्मूला दूसरा है कि नंबर्स ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, जिसको हम Na कहते हैं, ठीक है ना। दूसरा जो फॉर्मूला हमने एक सीखा ही था, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास, और अगला जो हमने अभी सीखा क्या है, नंबर्स ऑफ एटम अपॉन एवोगैड्रो नंबर, तो हमें क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ मोल्स मिलेगा। तो हमें बस नंबर ऑफ एटम फाइंड करना है, इसलिए हम क्या करेंगे, इसको इधर भेज देंगे और मल्टीप्लाई में इसको भेज देंगे, ठीक है। तो हमें तो सबका दिया ही था कितना, 24 था। ऑप्शन में ऐसे क्वेश्चन होते हैं, इसमें हम ऑप्शन देखते हैं कि ऑप्शन में क्या क्या डेटा गिवन है, बस कार्बन था, एल्यूमिनियम था, आयरन था, सिल्वर था, ठीक है, जिसमें 24 ग्राम है, 27 है, 56 है, 108 है ग्राम, ये सब ग्राम्स हम लेंगे तो सॉल्व करेंगे, हम बस इसमें पुट करेंगे। पहला 24 ग्राम था,
24 था क्या? गिवन था, है ना, गिवन मास 24 था, लेकिन हमें पता है कार्बन का मास कितना होता है, मॉलिकुलर मास 12 होता है, ठीक है, ये तो हम मोल फाइंड कर रहे हैं ना। अब इधर जो फॉर्मूला यूज कर रहे हैं वो फॉर्मूला है मोल, नंबर ऑफ मोल इज इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। सब में हम ऐसा ही फॉर्मूला यूज करेंगे और हम फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब फाइंड करेंगे तो हमें पता चला कि जो आयरन है, एल्यूमिनियम है और सिल्वर है, उनके नंबर्स ऑफ एटम्स है वो सेम आ रहे हैं, जो कि है इक्वल कितना है, एवोगाड्रो नंबर, मतलब 6.023 × 10^23 से इक्वल है। बस एक कार्बन ही ऐसा है जिसका जो नंबर ऑफ मोल्स है वो क्या है, डबल है, मतलब कि डबल एवोगाड्रो नंबर है, मतलब कि ज़्यादा है इन तीनों के कंपेयर से। तो जो हमारा आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, कार्बन वाला आंसर होगा, क्योंकि कार्बन है 24 ग्राम ऑफ कार्बन 12 मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम कंटेन करेगा, ठीक है। अब 2002 में जो क्वेश्चन पूछा था वो क्वेश्चन है हाउ मेनी मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन वेट 1 kg। ये शायद हमारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस में भी है, जब तुम्हारा सेकंड चैप्टर जब खोलोगे या फर्स्ट चैप्टर खोलोगे, फर्स्ट चैप्टर में जब तुम देखोगे ना तो ये क्वेश्चन है ना, फर्स्ट चैप्टर के कुछ सेकंड या थर्ड क्वेश्चन ही है, हमें बताना है कि 1 kg में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा, ठीक है। अब हमें पता है कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता कितना है, 9.108 × 10^-31 kg होता है ये मास, ये तो हमें याद रखना पड़ेगा, ये जो मास है 9.1 × 10^-31 kg, ठीक है। अब हमें पता है ये जो मास है ये एक इलेक्ट्रॉन का है, ठीक है ना, ये एक इलेक्ट्रॉन का मास है, तो मैं बोल सकता हूँ अगर मैं यहाँ पे बोल सकता हूँ कि 9.1 × 10^-31 kg अगर एक इलेक्ट्रॉन कंटेन करता है तो मेरे को बताओ कि 1 kg कितना इलेक्ट्रॉन कंटेन करेगा, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, तो जो क्वेश्चन मार्क वाला आंसर है हमारा उसमें क्या हो जाएगा, 1/9.1 × 10^-31, ठीक है। ये हमारा क्या मिलेगा, नंबर्स ऑफ एटम मिलेगा, ठीक है, जो कि हम सॉल्व करेंगे आगे, तो हमें ये ऐसा कुछ मिलेगा क्या, 10^31 / 9.18। अब यहाँ पे हमने कुछ ऐसा मल्टीप्लाई किया है ना, एवोगाड्रो नंबर मल्टीप्लाई किया है, क्यों ऐसा किया है हमने, कि हमेशा जो एलिमेंट्स होता है या इलेक्ट्रॉन्स होता है उसको हम है ना 1 mole के हिसाब से हम काउंट करते हैं, हमेशा 1 mole में ही फाइंड करते हैं, और 1 mole जो होता है 6.023 × 10^23 होता है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ कि मैं इसमें मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, जो हमारा जो मास है उसमें मैं क्या करूँगा, सिंपल मल्टीप्लाई क्या कर दूंगा मैं 6.023 × 10^23 मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है, आगे समझ में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिल जाएगा आंसर ऐसा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक किलो में इलेक्ट्रॉन से, 1 kg इलेक्ट्रॉन लिया उसमें कितने इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल्स है, 1/9.103 × 6.023 × 10^8 मोल्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, काफी इजी क्वेश्चन था, बुक का ही क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन नॉर्मलिटी, ठीक है। अब नॉर्मलिटी का फॉर्मूला तुम्हें शायद नहीं पता होगा, बुक में नहीं दिया है, तो नॉर्मलिटी का फॉर्मूला जो होता है वो होता है ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट, जो सॉल्यूट हमारे पास होता है उसको ग्राम लेते हैं हम, और अपन में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ठीक है तुम्हें ये कुछ ऐसा दिखता होगा, ये शायद मोलरिटी जैसा, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, है ना, ऐसा कुछ दिख रहा है, बस यहाँ पे नंबर ऑफ मोल क्या आ गया, ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सॉल्यूट आ गया, ठीक है। अभी जो क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में बोला क्या है फाइंड करने को, इस क्वेश्चन में बोला है कि जब मैं 0.3, जैसे मैं रिलेशन बताया मोलरिटी का, उस पर क्वेश्चन आ रहा है कि 0.3 मोलरिटी में जब फॉस्फोरस ऐड कर लूंगा मैं H3PO3, तो मेरे को पता है नॉर्मलिटी उसका कितना होगा ना, मतलब कि मैं 0.3 जब अगर मोलरिटी है एक फॉस्फोरस एसिड का तो नॉर्मलिटी कितना होगा उसका, बस हमें ये बताना है, ठीक है। तो एक इसका ट्रिक है, मतलब ट्रिक क्या बोल सकते हैं, फॉस्फोरिक एसिड का जो डायग्राम होता है या स्ट्रक्चर बोल सकते हैं, स्ट्रक्चर कैसा होता है, ऐसा कुछ होता है स्ट्रक्चर उसका, तो इसमें तुम देख सकते हो, तो हाइड्रोजन हम रिप्लेस करना चाहते हैं ना, हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे हम जब, एक और फॉर्मूला आ गया, जो फॉर्मूला ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी, बेसिसिटी मतलब होता क्या है, माइनस आयन, हमें पता है HO क्या होता है, माइनस आयन होता है ना, OH माइनस, सॉरी OH होता है, OH क्या होता है, माइनस आयन होता है,
और एच प्लस आयन होता है, ये जो होता है एसिड को शो करता है, OH क्या करता है बेस को शो करता है। तो एक नॉर्मलिटी एक रिलेशन है किसके साथ, मोलरिटी के साथ और बेस के साथ, क्या है नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। तो हम पता है कि इसमें से सिर्फ ये दो ही रिप्लेस हो सकते हैं, ये दो ही को मैं तोड़ सकता हूँ, बाकी ये हाइड्रोजन को तोड़ना मुश्किल है और ऑक्सीजन को भी तोड़ना क्या है उसको तोड़ना ही नहीं, इसको मतलब ही नहीं इसको तोड़ने देता है, हमें बस हाइड्रोजन रिप्लेस करना है ना। तो ये हमारे पास तीन हाइड्रोजन है, एक दो तीन, ये तीन हाइड्रोजन है। तो इसमें क्या है एक्चुअल में हम किस कौन से हाइड्रोजन को हम रिप्लेस कर सकते हैं, इसको तो बहुत मुश्किल है क्योंकि सिग्मा बॉन्ड, हमें चैप्टर फोर में तुम पढ़ोगे कि सिग्मा बॉन्ड बहुत सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड होता है, उसको तोड़ना बहुत मुश्किल है। ठीक है, सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे जो है ना ये OH है और ये इसमें ये भी OH है, इसमें से हाइड्रोजन निकालना थोड़ा इजी है, इसलिए हम हाइड्रोजन यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो हमें सिर्फ ओनली टू रिप्लेसेबल हाइड्रोजन बोलेंगे, कितना दो ही हम रिप्लेस कर सकते हैं, बाकी हम रिप्लेस नहीं कर सकते तीसरा वाला। तो क्या करेंगे हम, जो बेसिसिटी है टू इंटू जो हमें मोलरिटी दी है ये 0.3 मल्टीप्लाई करेंगे और जो हमारा आंसर होगा 0.6 होगा। ठीक है, एक नया फॉर्मूला सीखने को मिला अभी, क्या है नॉर्मलिटी इज इक्वल्स टू मोलरिटी इंटू बेसिसिटी। ठीक है, अब अगला कुछ थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन आ गया है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन बोल सकते हैं कि इन विच मोड ऑफ एक्सप्रेशन द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन रिमेन इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर बोल रहा है। इंडिपेंडेंस ऑफ टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर हो ज़्यादा हो कम हो कैसा भी हो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ता। जैसे हमें ऑप्शन में क्या दिया है, मोलरिटी दिया है, नॉर्मलिटी दिया है और फॉर्मलिटी दिया है और मोलरिटी दिया है। तो तुम्हें देख सकते हो कि जो ये हमारा सिर्फ एक ऐसा थियरी बेस्ड क्वेश्चन है कि मोलरिटी एक ऐसा वर्ड है या फॉर्मूला है जो टेम्परेचर पे क्या डिपेंड नहीं रहता। इसका फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन केजी में होता है ना, जो मोलरिटी का स्मॉल एम इसको डिनोट करते हैं, मोलरिटी का जो फॉर्मूला होता है मोलरिटी का क्या होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, वॉल्यूम बोल सकते हो या इसको मास कहते हैं, मास ऑफ सॉल्यूशन इन केजी। ठीक है, केजी में क्या होगा, तो अगर मैं अब तुम पूछोगे क्यों मोलरिटी क्यों नहीं है, मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। ठीक है, वॉल्यूम की बात कर रहे हैं और हमें एक इक्वेशन पता है आइडियल गैस का इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। ठीक है, P जो है प्रेशर होता है, V वॉल्यूम होता है, n नंबर्स ऑफ मोल्स होता है, R कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट, आइडियल गैस कांस्टेंट होता है और T टेम्परेचर होता है। तो हमें इस इक्वेशन से पता चल जाएगा कि जो वॉल्यूम है और टेम्परेचर है एक दूसरे पर डिपेंड है। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करेंगे, मोलरिटी नहीं लेंगे, हम मोलरिटी लेंगे, मोलरिटी जो भी है। ठीक है, तो जो हमारा आंसर होगा मोलरिटी होगा। ठीक है, थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन था ये। अब जो 15th क्वेश्चन है हमारा वो क्या है, द मोलाल सॉल्यूशन इज वन दैट कंटेन वन मोल ऑफ सॉल्यूट इन। अब ये भी एक बोल सकते हैं STP स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर जैसा कुछ है, एक यूनिट सेम रहता है। अब तुम्हें क्वेश्चन दिया है, अब आगे हम कोई क्वेश्चन सॉल्व करेंगे एडवांस के क्वेश्चन, उसमें तुम्हें बोल देगा कि नंबर्स ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इतने हैं, तो मैं बताओ उसकी मोलरिटी कितनी होगी, है ना, मतलब बोल देगा कि H2O है उसकी, सपोज के दो मोल है तो बताओ उसकी मोलरिटी क्या होगी। तो तुम्हें उधर वॉल्यूम नहीं दिया रहेगा, है ना, वॉल्यूम नहीं दिया होगा, तुम्हें एज्यूम करना पड़ेगा कि वॉल्यूम क्या होगा, 1000 ही होगा, किसका, वाटर का। तो तुम्हें याद रखना सॉल्वेंट हम कभी भी कंसिडर करते हैं ना, सॉल्वेंट जिसमें हम घोलते हैं वो हमेशा हम 1000 ग्राम ही लेते हैं। ठीक है, मास हो अगर मोलरिटी हो तो हम क्या करेंगे, केजी में 1000 लेंगे, मतलब कि 1000 ग्राम लेंगे, अगर मोलरिटी है तो हम क्या करेंगे उसको वॉल्यूम में 1000 मिलीलीटर या तो 1 लीटर लेंगे। ठीक है, ये स्टैंडर्ड होता है एक, तो हम क्या करेंगे यहाँ पे ले लेंगे 1000 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, मोलरिटी में हम ये नहीं लेते, मोलरिटी में हम लेते हैं स्टैंडर्ड में 22.4 लीटर होता है ना, 22.5, ये नहीं होता 22.40,
जो भी होता है 22.4 लीटर होता है मोलरिटी में, ठीक है। लेकिन हमें पता है मोलरिटी जो होता है जो कि मास पे या केजी मास पे डिपेंड है, उसमें 1000 ग्राम हम लेते हैं सॉल्वेंट हमेशा, और जो वॉल्यूम होता है 22.4 लीटर लेते हैं हमेशा, ठीक है। ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है। अगला 16th वाला, 16th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अगर मैं 0.5 मोल ऑफ BHCl2 इस मैं मिक्स करता हूँ किसके साथ, 0.2 मोल्स ऑफ Na3PO4 के साथ, तो बताओ मैक्सिमम नंबर ऑफ मोल्स कितना होगा Ba3PO4 ट्वाइस का, ठीक है, दैट कैन बी फॉर्म, ठीक है। अब मतलब हमें क्या करना है, सिंपल BHCl2 Na3PO4 को क्या करना है, एक रिएक्शन कराना है दोनों के बीच में, और हमें कुछ लास्ट में रिजल्ट मिलेगा इसमें जो हमें कंपाउंड का मोल्स फाइंड करना है और दिया रहेगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन है ये रहा, जैसे मैंने बताया अभी कि आपको दिया गया है कि BHCl2 Na3PO4 को हम रिएक्ट कर रहे हैं, हमें क्या मिल रहा है, Ba3PO4 ट्वाइस NaCl मिल रहा है, तो हम इसको बैलेंस कर देंगे फिर, नहीं साथ बैलेंस कर देना 3-2 और बैलेंस कर देना तो आता ही होगा, 10th में सीखा ही है। फिर अब ये रिएक्शन है कैसा, BHCl2 जो है मैं जब 3 मोल BHCl लेता हूँ, तो जब मैं 3 मोल या बोल सकता हूँ 3 मोल लेता हूँ BHCl2 का, और जब मैं 2 मोल लेता हूँ Na3PO4 का, तो मेरे को 1 मोल मिलता है किसका, Ba3PO4 ट्वाइस का, ठीक है। जब मैं 3 इसका लेता हूँ 2 इसका लेता हूँ, तो मेरे को 1 ही मिलता है, 1 मोल इसका मिलता है, ठीक है। सपोज यहाँ पे मैं अगर 6 ले लूँ, यहाँ पे 4 ले लूँ, तो यहाँ पे कितना मिलेगा, 2 मिलेगा, ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है। तो अगर यहाँ पे बोल रहा है इन दिस रिएक्शन 3 मोल्स ऑफ BHCl2 कंबाइन विद 2 मोल्स ऑफ Na3PO4 एंड 0.5 मोल्स ऑफ BHCl रिक्वायर्ड, तो हमें बताना है कि अगर मैं 3 लेता हूँ BHCl2 का और 2 लेता हूँ मैं Na3PO4 का, तो मेरे को 1 मिलता है Ba3PO4 ट्वाइस का। तो मेरे को बताना है कि अगर मैं 0.5 मोल लूँ BHCl2 का 0.5 लूँ मैं, तो मेरे को बताना है कितना फॉर्म करेगा ये, अगर 3 है तो 2 है ना। अब यहाँ पे अब तुम इन दोनों पे देखोगे तुम BHCl2 और Na3PO4 पे, जब यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे 4 होगा तो 3 होगा, 5 होगा तो 4 होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 0.5 है, अगर यहाँ पे 0.5 है मेरा, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर मैं 3 मोल लेता हूँ BHCl2 का, मेरे को Na3PO4 कितना मिलता है, 2 मिलता है, तो बताओ 0.4 पे कितना मिलेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे हम, सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई करने से हमें क्या मिलेगा, 0.5 2 डिवाइड बाई 3, दैट इज 0.33 मोल्स ऑफ Na3PO4, ठीक है, समझ आए, कितना मोल होगा, 0.33 मोल्स ऑफ Na3PO4 होगा। अब तो हमें लेकिन हमें ये थोड़ी बताना था कि Na3PO4 का कितना होगा, हमें बताना था कि Ba3PO4 ट्वाइस का कितना होगा। तो सिंस अवेलेबल Na3PO4 0.2 मोल इज लेसर देन द रिक्वायर्ड मोल ऑफ जी। अब हमें क्वेश्चन में दे दिया गया था कि हमें कितना मोल दिया था, 0.2 मोल दिया था Na3PO4 का। अब तुमने एक चैप्टर पढ़ा होगा लिमिटिंग रिएजेंट, है ना, लिमिटिंग रिएजेंट मतलब कैसा हो सकता है, सपोज मैं अगर एक कंपनी है मेरी जिसमें मेरे को दो प्रोडक्ट यूज कर दो कोई भी रॉ मटेरियल यूज़ करता हूँ, सपोज मैं एक कॉटन यूज़ कर रहा हूँ और एक कलर यूज़ कर रहा हूँ, है ना, कॉटन और कलर यूज़ कर रहा हूँ, एक यहाँ पे कुछ भी थ्रेड बना रहा हूँ मैं, धागा बना रहा हूँ मैं, है ना, ये दोनों के हेल्प से। सपोज कॉटन मेरे पास 100 किलो तो है ना, सपोज एक किलो कॉटन के लिए मैं 1 लीटर कलर यूज़ कर रहा हूँ मैं, है ना, तो मेरे को अगर कोई ऐसा हुआ कि 100 किलो मेरे पास कॉटन पड़ा है लेकिन मेरे पास 90 लीटर ही सिर्फ कलर पड़ा है, तो मेरा 10 किलो बच जाएगा कॉटन, है ना, 10 किलो कॉटन बच जाएगा, ख़त्म कौन हो गया, पहले कलर ख़त्म हो गया, तो ये जो पहले जो ख़त्म हो जाता है रिएक्शन में या कोई भी काम में, उसको मैं क्या कहता हूँ, लिमिटिंग रिएजेंट कहता हूँ मैं, ठीक है, लिमिटिंग समझ आए, तो पहले रिएक्शन में पहले ख़त्म हो जाए, उसके बिना काम ही ना हो आगे या प्रोसेस ना हो, उसको मैं लिमिटेड रिएक्शन कहता हूँ। तो हमें क्वेश्चन में दिया 0.2 मोल ऑफ Na3PO4 को दिया था, लेकिन हमारा जो आंसर जो आया था 0.5 मोल पे BHCl2 को कितना है, 0.3 मोल आया था, जो कि क्या है,
जो गिवन मास जो हमें गिवन मोल है उससे बहुत कम है, लेस देन रिक्वायर्ड द 0.33, तो इट इज़ अ लिमिटिंग रिएक्शन एंड वो डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट BaCO3। ठीक है, तो हम क्या करें, 2 मोल ऑफ NO3 जब लेंगे हम, ये 1 मोल ऑफ ये देते हैं हमें, जैसे हमें रिएक्शन से पता चले जब मैं 2 मोल ऑफ Na3PO4 लेता हूँ तो मेरे को 1 मोल मिलता है किसका, Ba3PO4 का। तो जब मैं 0.2 मोल लूँगा मैं Na3PO4 का, तो बताओ कि ये जो होगा हमारा Ba3PO4 कितना प्रोड्यूस होगा, है ना। सिंपल सा हो मैथ यूज़ करेंगे हम, तो कैसा है, जब 2 पे 1 हो रहा है 0.2 पे कितना होगा, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा 2 बाई 20, डेट इज 1/10, तो बोलूँगा 0.1 मोल। ठीक है, सिंपल मैथ है, 0.1 मोल हम क्या कहेंगे Ba3PO4 ट्वाइस मिलेगा हमें। इजी क्वेश्चन था, बस हमें लिमिटिंग रिएजेंट एक कॉन्सेप्ट है वो याद रखना था इसमें। ये अगला क्वेश्चन करते हैं, अगले क्वेश्चन में बोला है, 17 क्वेश्चन है, बोला है कि 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हमें दिया है, सिल्वर कार्बोनेट है ना 2.76 ग्राम में भी दिया है, हम उसको क्या कर रहे हैं, स्ट्रांगली हीट कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो राख निकलेगा उसमें से, एसेस निकलेंगे, तो बताना है बस हमें तो कितना एसेस निकलता है। तो हम आंसर इसका सॉल्यूशन करते हैं, अनलाइकली द अदर मेटल कार्बोनेट दैट यूजली डिकम्पोज इनटू मेटल ऑक्साइड। ठीक है, लिबर्टिन कार्बन डाइऑक्साइड, सिल्वर कार्बोनेट ऑन हीटिंग डिकम्पोज इनटू एलिमेंट्री सिल्वर, लिमिटिंग लिबर्टिन मिक्सचर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन गैसेस। मतलब क्या है, बोल रहा है कि अगर कोई भी मेटल है मेरे पास, कोई मेटल कार्बोनेट है, जब मैं इसको हीट करता हूँ तो कम्प्लीटली क्या होता है, एक राख में ख़त्म हो जाता है, ये मेटल ऑक्साइड फॉर्म करता है और राख काला काला दिखता है, वो मेटल ऑक्साइड होता है। ठीक है, लेकिन बोल रहे हैं जब सिल्वर कार्बोनेट को मैं जब हीट करता हूँ तो उसमें से सिल्वर निकलता है, तुम कभी भी सिल्वर को लेना और हीट करना, तुम्हें पता चलेगा कि सिल्वर को हीट करने से निकलता है तो सिल्वर ही निकलता है, कुछ गैसेस निकलता है, बस यही होता है। सिल्वर कार्बोनेट को जब मैं हीट करूँगा इसको, तो मुझे सिल्वर मिलेगा, CO2 मिलेगा और O2 मिलेगा। ठीक है, अब मॉलिकुलर वेट हमें दे ही दिया था सिल्वर का ना, मॉलिकुलर वेट कितना दिया कंपाउंड का, सिल्वर कार्बन का मॉलिकुलर वेट हमें दे दिया था 7276 हमें दे दिया था क्वेश्चन में, जैसे हम देखेंगे 2.76 ग्राम ऑफ सिल्वर कार्बोनेट हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, जो मॉलिकुलर वेट होता है Ag2CO3 का कितना होता है, 276 ग्राम होता है यार अपना। ठीक है, मॉलिकुलर वेट हमने फाइंड किया, क्योंकि Ag का तुम्हें पता ही होगा, CO और ऊपर पता होगा, बस फाइंड करना है 276 ग्राम होता है। और क्वेश्चन को हम जब देखेंगे, बस हमको यही भी दिया 2.76 ग्राम सिल्वर कार्बोनेट हम हीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इसमें अब नंबर ऑफ मोल फाइंड करेंगे, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करेंगे सिंपल। ठीक है, मतलब अभी क्या करेंगे हम, अब Ag सिंपल Ag, जब मैं क्या बोल रहा है, जब मैं 1 मोल ऑफ Ag2CO3 लेता हूँ मैं, तो मेरे को 2 मोल मिलता है किसका, सिल्वर का। ठीक है, तो मेरे को बताओ कि अगर इसका 2 मोल मिलता है तो अब मेरे को उसका मास पता चलेगा, मतलब जो मास फॉर्म हो रहा है इसका वो कितना होगा, इसमें 216 होगा, क्योंकि हमें पता है Ag का जो मॉलिकुलर मास होता है कितना होता है, 108 होता है। अब जैसे 2 मोल है, जैसे 2 मल्टीप्लाई करूँगा 206 ग्राम मिल जाएगा मेरे को, प्रोड्यूस हो रहा है 216 ग्राम क्या हो रहा है, सिल्वर निकल रहा है जब मैं सिल्वर कार्बोनेट को मैं हीट करता हूँ तब। ठीक है, इतना निकलता है। अब हमें बताना है कि अगर 276 ग्राम में 216 ग्राम निकलता है ना, 276 ग्राम में जब सिल्वर कार्बोनेट Ag2CO3 लेता हूँ, तो इतना मैं लेता हूँ जब मेरे को Ag इतना मिलता है ना, सिल्वर जो सिंपल सिल्वर है वो 216 ग्राम मिलता है, तो हमें क्वेश्चन पूछा था कि 2.76 ग्राम में कितना मिलेगा, तो क्रॉस मल्टीप्लाई वापस कर देंगे, तो है ना 2.76 × 216/276, तो आंसर तो हमारा आएगा 2.16 ग्राम मिलेगा। ठीक है, ऐसा रेसिड्यू। ठीक है, इजी क्वेश्चन था, बस रिएक्शन याद रखना है और थोड़ा थियरी याद रखना है इसमें। अगला क्वेश्चन है, व्हेन द सेम अमाउंट ऑफ जिंक इज ट्रीटेड सेपरेटली विद द एक्सेसिव सल्फ्यूरिक एसिड एंड एक्सेसिव सोडियम हाइड्रोकार्बोनेट द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन इवॉल्व। मतलब कि अब मैंने जिंक ले लिया है, जिंक लिया है मैंने Zn, उसको मैं क्या कर रहा हूँ, हीट कर रहा हूँ दो कंपाउंड के साथ, पहला है सल्फ्यूरिक एसिड है ना H2SO4, दूसरा क्या है Zn को मैं दूसरे से किसके साथ रिएक्ट कर रहा हूँ, सोडियम हाइड्रोक्साइड दैट इज NaOH। ठीक है,
जब मैं हीट करता हूँ दोनों को, है ना, तो मेरे को कुछ ऐसा ऐसा कुछ मिलता है, मेरे को रिएक्शन जब दोनों में करता हूँ मैं तो ऐसा कुछ मिलता है। और हाइड्रोजन इन दोनों में इवॉल्व होता है ऑफकोर्स, क्योंकि हमें पता है कि एस जो हमारा मेटल होता है, मेटल प्लस मेटल मेटल प्लस एसिड गिव्स अस जो मेटल का सॉल्ट होता है और प्लस हाइड्रोजन गैस। और दूसरे में भी ऐसा ही होता है, मेटल प्लस कार्बन हाइड्रोक्साइड, इसमें हाइड्रोक्साइड बेस है ना, बेस गिव्स अस वापस बेसिक सॉल्ट देता है और हाइड्रोजन गैस रिवॉल्व होता है। तो हमें इस दोनों रिएक्शन से हमें पता चल रहा है कि सिंस वन मोल ऑफ एच टू गैस इज प्रोड्यूस पर मोल ऑफ जिंक विद बोथ सल्फ्यूरिक एसिड एंड एनओएच रिस्पेक्टिवली, है ना। जब हम रिएक्शन को देख रहे हैं हमें पता चल रहा है, जब मैं एक मोल दोनों का ले रहा हूँ, मैं जिंक जब मैं एक मोल ले रहा हूँ दोनों रिएक्शन में, तो मेरे को एक मोल ही मेरे हाइड्रोजन गैस से क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, मतलब कि उड़ रहा है, निकल रहा है रिएक्शन में, है ना। तो हमारा जो रेशियो होगा मोलर मोलर मीन्स मोल्स का क्या होगा, 1:1 ही होगा। ऑफकोर्स जब इसका वन ले रहा हूँ इसका भी वन ले रहा हूँ, तो जो दोनों रिएक्शन में ही वन मोल ऑफ एच टू डाई हाइड्रोजन इवॉल्व हो रहा है, जो रेशियो होगा फिर 1:1 ही होगा ऑफकोर्स। ठीक है, ये भी क्वेश्चन ईजी था, बस रिएक्शन तुम्हें याद होना चाहिए, रिएक्शन होगा तो कैसे होगा। अगला क्वेश्चन है, द लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज इन, अब ये सब थियरी नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है, बुक में भी होगा, कि बताना है हमें कि सबसे ज़्यादा मॉलिक्यूल्स किस में होंगे, पानी में होगा, कार्बन मोनोक्साइड में होगा, इथाइल अल्कोहल में होगा, या नाइट्रोजन पेंटोक्साइड में होगा। ठीक है, हमें बस पता है चारों ऑप्शन को देखना है और ऑब्जर्व करना है, उसको सॉल्व करना है। वहाँ पे से हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एवोगाड्रो वाला मतलब जो मोल वाला कॉन्सेप्ट है वो यूज़ करेंगे। तो मैं देख ही रहा होगा जब मैं 36 ग्राम ऑफ वाटर ले रहा हूँ मैं, है ना। अब मोल्स फाइंड कैसे करते हैं हम, नंबर्स ऑफ मोल्स, गिवन मास कितना है 36, अब पानी का वजन मोलर मास कितना होता है वाटर का, H2O का जो मोलर मास कितना होता है 18 होता है, बस 18 को डिवाइड करूँगा, नंबर ऑफ मोल्स मिल जाएगा इनटू बस एवोगाड्रो नंबर कर देंगे। एवोगाड्रो नंबर एक कॉन्सेप्ट है, बस ये मल्टीप्लाई कर दो, करो या ना करो तुम्हें आंसर मिल ही जाएगा, जो सबसे ज़्यादा होगा वो तुम्हारा आंसर है। तुम्हें दिख जाएगा जब तुम तीनों का चारों करोगे, तुम्हें दिखेगा कि जो वाटर है 36 ग्राम ऑफ वाटर जब तुम लेते हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होते हैं, 2Na होता है। जब 28 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड लेते हो तो उसमें कितने मॉलिक्यूल्स होता है, सिर्फ Na होता है। जब तुम 46 ग्राम ऑफ इथाइल अल्कोहल लेते हो तो तुम्हें उसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, Na होता है। और लास्ट वाला जो पेंटा नाइट्रोजन पेंटोक्साइड था उसमें 54 ग्राम में कितने मॉलिक्यूल्स होते थे, 0.5 Na। तो हमें पूछा गया था सबसे ज़्यादा किस में है, हमें पता चल गया 2Na, दैट इज वाटर, 36 ग्राम ऑफ वाटर। फिर हमें अगला क्वेश्चन है, द टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वन मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो खुद ही कर लोगे, इतना आसान है। ठीक है, हमें पूछा है कि टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा एक मोल वन मॉलिक्यूल्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्मूला क्या होता है, CO2 होता है। ठीक है, CO2 होता है। पूछा है कि नंबर ऑफ वन मोल, नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है ना, अब नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन पूछा गया है, इसमें भी हम क्या करेंगे, सिंपल वन पूछा है ना, हमें कुछ एवोगाड्रो नंबर कुछ दिया है नहीं, फिर वन पूछा है ना, वन CO2 में कितना होगा, तो हमें पता है कि कार्बन में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, कितने 6 होते हैं ना, ऑक्सीजन में कितने होते हैं 8, लेकिन यहाँ पे दो एटम ऐसे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 22 आंसर है हमारे, आसान था ना, बस आसान है ये कि 6 कार्बन का 6 लेंगे 6 इलेक्ट्रॉन, बस हमें सबके एटॉमिक नंबर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, तो ये ऑप्शन ऐसे ईजी है, ऐसे सॉल्व हो जाएगा ये। अभी लास्ट क्वेश्चन है जी मेंस का, उसके बाद एडवांस है हमारा, तो ये लास्ट क्वेश्चन है क्या, ये गैसेस मिक्सचर कंटेन ऑक्सीजन नाइट्रोजन इन रेशियो। अब गैसेस मिक्सचर है मतलब कि हमारा गैस है उसमें मिक्सचर है ऑक्सीजन नाइट्रोजन का, जिसका रेशियो कुछ है ना वेट का, जो वेट का रेशियो हमारा कितना है 1:4 है, तो हमें बताना है कि रेशियो ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स कितना होगा, मॉलिक्यूल्स रेशियो कितना होगा। इसमें भी वापस नंबर ऑफ मोल्स वाला कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे हम, है ना, नंबर्स ऑफ मोल्स। अब ये जो हम पता ही होगा नंबर ऑफ मोल हम कैसे फाइंड करते हैं, गिवन मास अपॉन मोलर मास, ठीक है, कैपिटल एम अपॉन स्मॉल एम, स्मॉल एम है ये और कैपिटल एम है। और दूसरा फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल फाइंड करने का, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ठीक है, वो लिख सकते हैं हम एन ए अपॉन एन ए, नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स अपॉन एवोगाड्रो नंबर, ये भी एक फॉर्मूला है। तो क्या करेंगे हम, सिंपल सा
दोनों को एक, अगर ये भी मोल है ये भी मोल है दोनों इक्वल है तो हम लिख सकते हैं एम अपॉन कैपिटल एम इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन लिख सकते हैं हम, ठीक है। अभी हम ये कैसा कर रहे हैं, ऑक्सीजन का कर रहे हैं, ठीक है, ऑक्सीजन का कर रहे हैं। तो जब हम ऑक्सीजन का करेंगे हम हमें तो ये पता ही है ऑक्सीजन का कि जो मॉलिकुलर मास होता है ऑक्सीजन का वो कितना होता है, ऑक्सीजन का मॉलिकुलर मास कुछ 32 होता है। डाई ऑक्सीजन यहाँ पे डाई ऑक्सीजन सिंपल ऑक्सीजन का 16 होता है और डाई का बोलेंगे 2 मल्टीप्लाई करेंगे 32 हो जाएगा मास ऑफ ऑक्सीजन है, ठीक है। अब यहाँ पे जो है हमारा नंबर ऑफ मॉलिकुल्स ऑफ ऑक्सीजन डाई ऑक्सीजन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है, ये ऑक्सीजन का था। अब मैं क्या करूँगा नाइट्रोजन का लूँगा, ठीक है। नाइट्रोजन में क्या होगा, गिवन मास अपॉन मॉलिकुलर मास इज इक्वल्स टू एन अपॉन एन ए, ठीक है, सभी ऐसा होगा फॉर्मूला। अब इसमें भी हमें एम तो पता नहीं है, सपोज ये एम वन था ये हमारा एम टू है ना, ये हमारा एम टू है। मोलर मास ऑफ नाइट्रोजन डाई नाइट्रोजन क्या होता है 28 होता है, हमें पता है नाइट्रोजन का जो मास होता है कितना 14 होता है, ये हमें दो है इसलिए हम कहते हैं 2 मल्टीप्लाई करें दैट इज 28 होता है मोलर मास, हमें पता चलेगा 28 होता है। अब मॉलिक्यूल्स हमें पता है नहीं तो हम उसको ऐसे लिख देंगे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। अभी तो हमारे पास जो इक्वेशन है दोनों, अब दोनों इक्वेशन हम क्या करेंगे डिवाइड कर देंगे सिंपल, डिवाइड करने से हमें क्या मिलेगा, डिवाइड करते हैं हम एम वन अपॉन 32 डिवाइडेड बाय एम टू अपॉन 28 इज इक्वल्स टू नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई ऑक्सीजन अपॉन एवोगैड्रो नंबर अपॉन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन अपॉन एवोगैड्रो नंबर, ठीक है। सॉल्व करते हैं इसको तो हमें मिलेगा एम वन इंटू 28 अपॉन एम टू इंटू 32 सॉरी, फिर हमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा, मिलेगा क्या नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन अपॉन नंबर्स ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ डाई नाइट्रोजन, ठीक है, ये मिला हमें क्वेश्चन में। हमें फाइंड क्या करना, क्वेश्चन के हिसाब से हमें फाइंड करना था नंबर्स ऑफ देयर मॉलिक्यूल्स, मतलब हमें इन दोनों का रेशियो फाइंड करना है और ये दोनों हमें बस हमें सॉल्व करना है, ठीक है। और हमें एक चीज़ दिया था रेशियो ऑफ, हमें दिया था रेशियो ऑफ मासेस दिया था है ना, गिवन मास का रेशियो कितना था 1:4 था, तो हम सिंपल इधर पुट कर देंगे एम वन रेशियो एम टू, हमें पता है क्या है 1:4 है इंटू 28 अपॉन 32, सॉल्व करेंगे हम इनको फाइंड सॉल्व करेंगे अब इसको 5, 6, 7 तो हमें मिलेगा 7 अपॉन 7:32, ठीक है। 7:32 हमारा क्या होगा आंसर होगा, इसमें क्या आंसर होगा रेशियो ऑफ देयर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इज 7:32 हमारा आंसर है। तो यहाँ पे जी मैन हमारा खत्म हो गया, अब कुछ एडवांस क्वेश्चन कर लेते 3-4 है। पहला क्वेश्चन है हमें बताना है कि वेट ऑफ, वेट हमें बताना है